नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी एपीएस में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर, कंप्यूटर जो संभाग इंक्लूड कर दिया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर प्रैक्टिकल, क्या ये एक दोनों एक साथ हम तैयार कर सकते हैं? सबसे सटीक तरीका क्या है कंप्यूटर को पढ़ने का? कहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो जो आपका ऑथेंटिक हो? बुक क्या है? मार्केट में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई किताब आई है या नहीं आई है? ये सब आपके जो सवाल थे कि हम कैसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ें या पूरा का पूरा डिटेल में क्लासेस पढ़ें, ये सभी आपके जो सवाल थे उनको मैं जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल के लिए आपको कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, खासकर मतलब आपके साथ जब कंप्यूटर आप रखे हो तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करने के लिए, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके लिए एसेंशियल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जाने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे अभी तक एपीएस के बैच से नहीं जुड़े हैं तो एपीएस के लिए टीम परीक्षा प्लस बैच चला रही है जिसमें एक बैच आपका पूरा संपूर्ण है, और कुछ बच्चों के डिमांड पर कंप्यूटर का स्पेशल बैच निकाला गया था। तो एपीएस का जो संपूर्ण बैच है आप देखोगे 2.0 के नाम से, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से आप जुड़ सकते हो, या आप सीधे live.parikshaplus.org वेबसाइट ओपन करिए, यूपीपीएससी कोर्स में जाइए, आप यहां पर देखेंगे तो एपीएस का पूरा संपूर्ण बोर्ड बैच 1178 का है। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर स्पेशल बैच लेना है तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी क्लासेस और नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी 588 में। अब रहे बात आपके जो सवाल थे उन पे हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं कि आखिर तैयारी आपको कैसे करना है कंप्यूटर का। सबसे बड़ी बात यह है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, और किस संभाग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर में कम से कम आप 45 मार्क्स तो पक्के कर ही लो। ठीक है, जो आपके 45 मार्क्स हैं ये आप पक्के कर लो, ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। चलिए उसी पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको कहां से पढ़ना है कंप्यूटर, कहां से पढ़ना है और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल के लिए क्या जरूरी है और 45 प्लस मार्क्स मैं आपको कैसे दिलाऊंगा ये आपको मैं बताता हूं। देखिए, ये आपका जो बेसिक सी बात करें आपका सिलेबस है, ये आप सभी को सिलेबस पता होगा, ये आपके 50 क्वेश्चंस जो आपका आएगा 50 क्वेश्चन, इस 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सिलेबस है। अगर हम बात करें कि आप किस किताब से पढ़ोगे तो बच्चों देखो, पहली बात तो मार्केट में अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं आई है। ठीक है, अगर हम बुक्स की बात करें कि ये बुक्स के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस है क्या मिल जाएगा, तो बुक्स के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेबस नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल कंप्यूटर आपसे नहीं बोला है, आपसे कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक ही बोला है। जैसे अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चन यहां से आएगा और 5 टॉपिक दिया है। बच्चे कहेंगे, सोचेंगे सर 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 10 क्वेश्चन इससे आएगा ये चांसेस बहुत कम है। एक चांस तो है कि 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ जाए, लेकिन जब आयोग की बात आती है यूपीपीएससी की तो जहां से क्वेश्चन, मैं एक से टीचर हूं तो मैं बता सकता हूं कि कहां से क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम हो सकते हैं। तो वही बात, जैसे आपका यूपीपीएससी में जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दिया रहता, क्या सभी संभाग से एक जैसे प्रश्न आते हैं? नहीं आते हैं, सभी टॉपिक से भी नहीं आते, हो सकता मॉडर्न से कभी ज्यादा पूछ ले, कभी किसी से पूछ ले। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रश्न बनेगा और उस पर आपने अगर अच्छी तैयारी कर ली तो वो है आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं आपके एमएस ऑफिस की बात करूं तो एमएस ऑफिस से ऑलमोस्ट आपके अगर 10 तो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन तो है। तो यहां से इतना मानिए कि मुझे लगता है कि 15 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और यही आपका अगर हम वर्किंग नॉलेज अगर बात करें यहां पर इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट इसको आप मान सकते हो, तो इनसे भी आपका क्वेश्चंस 12 प्लस आपके यहां पर, 10 से 12 प्रश्न आपके क्वेश्चंस यहां पे भी होगा और वही 12 प्रश्न यहां से होगा। रही बात वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम की बात,
देखो यहां से आपका और यहीं से प्रश्न आपके 10 या 8 से 10 प्रश्न आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न 15 से ज्यादा भी बन सकता है, जब ज्यादा बनेगा तो इन लोगों में से कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो विंडोज बोला ना, वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप लैपटॉप, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो आपका विंडोज सिस्टम होता है उसकी वर्किंग बेसिक नॉलेज आपको वर्किंग का जानना है विद अ पेरिफेरल लाइक प्रिंटर स्कैनर एंड माइक्रोफोन एंड स्पीकर। मतलब स्पीकर प्रिंटर अगर आपके फोन में जुड़ा हुआ है तो आपका कैसे कार्य होगा, वर्किंग कैसे होगा, वो आपको पढ़ना है पहले में, ठीक है। और यही बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से कंटेंट इसका आपको नहीं मिलता है। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि पेरिफेरल जो माइक्रोफोन स्कैनर स्पीकर है, जब ये आपके कंप्यूटर से जुड़ता है तो जो आप कमांड देते हो, मान लो मुझे प्रिंटर से प्रिंट कमांड देना है, तो विंडोज पे कैसे कार्य किया जाता है वो तो जानते हो, कंट्रोल पी दबा देंगे हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल पी दबाने पर विंडोज के कौन से भाग कार्य करते हैं कि वो प्रिंटर तक संदेश जाता है, जैसे कर्नल सेल ये सब चीजें, ये भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होगा। तो थोड़ा सा बेसिक ओएस के बारे में भी जानना जरूरी होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किताबों की बात करें तो आपको किताबें नहीं, आपको के पास अगर कंप्यूटर है तो उससे बड़ा कोई भी किताब नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है और उस पे लेटेस्ट वर्जन आपका एटलीस्ट विंडोज 10, विंडोज का 10 वर्जन, या कोई जरूरी नहीं है वर्जन लेकिन लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं एग्जाम में तो बेसिकली लेटेस्ट वर्जन को देखते हुए बनाए जाते हैं, वैसा कोई फोकस्ड उस पर नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में आपका ओल्डेस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास विंडोज 10 या आपके अपडेटेड वर्जन होने चाहिए, तो ये सेक्शन को आपका कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बाकी चीजें, जैसे इसका आप फैक्ट डाटा आप किताब से पढ़ सकते हो, बहुत सारे किताब आते हैं, लूसेंट की आती है, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। बाकी जो बच्चे हमारे बैच में एडमिशन लिए हैं चाहे लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब मार्केट से मैं नहीं कहता हूं लेने के लिए। आपको मैं खुद जितना हो सकता है MCQs की PDF, ठीक है, और नोट्स की PDF मैं अपडेटेड करके देता रहूंगा। बाकी जो नहीं लेना चाहते हैं, जो भाई अलग से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता सकता हूं कि आप इस टॉपिक के लिए आप ले सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ले सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, सर्च इंजन, विकिपीडिया, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली जब तक आपके पास सिस्टम नहीं रहेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं सर मेरे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम बहुत जरूरी है क्योंकि आपका अगला जो फेज है प्रैक्टिकल, वो बिना सिस्टम के आप नहीं कर पाओगे। और जो अगला फेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखो, वर्किंग नॉलेज ईमेल की बात करें चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, वर्ड, मेलिंग, पंचुएशन, इंसर्शन टेबल, ये सब आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपके पास क्या प्रैक्टिकल में होना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर, अभी मैं बताता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इन टारगेट कर दिया नहीं कुछ, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने ये टारगेट कर लिया है कि आपको इसमें 45 प्लस करना है, तो बहुत ही आसान चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, आपको इसमें आप सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, जनरल कॉन्सेप्ट खाली एक तरह से कि विंडोज में टास्क बार क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट बटन क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, इतना चीजें, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, इसी में से आपको 5-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी बात करें, यहां से आपको एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा आपको वर्ड पे फोकस करना है, फिर आपको एक्सेल पे करना है, और एक्सेल में खासकर फॉर्मूला जरूर याद करना है। फॉर्मूला पे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, फॉर्मूला हो गया, फंक्शन हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये आप पढ़ लिए तो 15 नंबर तो आपके यहां से पक्के हैं, सबसे बेस्ट 15 नंबर। इंटरनेट भी बहुत ही आसान होता है, आपको रिजर्वेशन ये सब पढ़ना है, आप आजकल दुनिया में मोबाइल चलाते हो, अपना रिजर्वेशन करते हो, तो ये जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो बस उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में मैं बताऊंगा कैसे एमसीक्यू आएगा।
तो उसी के इतिहास उसी के से रिलेटेड 12 से 15 क्वेश्चन ये मान लीजिए यहां पे आ गया। ऐसे ही आपके वर्किंग ऑफ ईमेल, मतलब ये और ये मिला के एक इंटरनेट का पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं ये दोनों चैप्टर मिला लिया जाए तो इंटरनेट का सबसे ज्यादा रोल है, पूरा इंटरनेट है ये। तो इस दोनों में इंटरनेट में अगर हम बात करें तो इसको मिला लें तो कम से कम 24 से 25 प्रश्न आपका यहां बन जाता है। 25 और 5 30, यहां पर देखो 5 30 हो गया, हाँ यहां पे आपके 40 प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिया। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर 25 प्रश्न इन दोनों यूनिट से, 25 और 5 आपका 15 जो है 40 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं। तो 10 प्रश्न जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, तो यहां से आपके 5 से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और पहले यूनिट से भी 5 से 7 प्रश्न बनेंगे। एक मेरा यहां पे वो है लॉजिक, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये दो चैप्टर, दूसरा और तीसरा चौथा, क्योंकि ये 3 और 4 टिप 2, 3 और 4 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो ऑलमोस्ट आप 37 से 40 के बीच में क्वेश्चंस कर ले जाओगे आराम से। बाकी ये प्रेजेंटेशन इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। पांचवा यूनिट आप जब पावर पॉइंट पढ़ोगे ना वहीं पे ये कवर हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको भी इसी में जोड़ लो, इसी में जोड़ लो। इसीलिए कह रहे हैं कि 15+ जाएगा, ये 15+ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 16-17 प्रश्न भी हो सकता है। तो ओवरऑल खाली आप नीचे के टॉपिक कर लिए, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरे चौथे से ही, पांचवा करने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा करने से ही आप 40 से 42+ क्वेश्चंस करके आओगे, क्योंकि ये भी आपका दूसरे नंबर टॉपिक में कवर हो जाता है प्रेजेंटेशन वाला। इतने से ही आप यहां 40 कर लिए और यहां पर देख रहे हो पूरा एक्सेल पावर पॉइंट, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट बोला ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यहां पर भी आपका कवर हो रहा है, प्रैक्टिकल भी कवर हो रहा है। तो पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए कि आप अपने सिस्टम में एटलीस्ट, अगर आपके पास एमएस ऑफिस का, अगर मैं कहूं एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन होना चाहिए, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर में अगर बहुत एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का आपके पास लेटेस्ट 2010, तो कम से कम लेटेस्ट तो 2021 है, 2019 है, 16 है, लेकिन अगर नहीं आपके पास है, हम जान रहे हैं कि वो जल्दी मिलता नहीं है, अगर आपके पास 2010 भी है तो काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन कोई 2003 पर मत पढ़ना, इसका वजूद खत्म हो गया है। 2007 भी चलेगा, 2010 भी चलेगा, 16, 17, 18, 19 जो भी है वो चलेगा, लेकिन 2010 को बेस, मतलब 7 से ही बेस माना जाता है 2007 के बाद से, तो 2010 मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है, इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट 2010 आप लोग रखिएगा। और सभी लोग कंप्यूटर जरूर रखिएगा और उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये जरूर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये इसको अच्छे से समझ पाओगे। समझने का तरीका ये है, पढ़ने का बेस्ट तरीका, आपने एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आप सीधे क्या करोगे, जितने भी उसमें मेनू देखते हैं, टाइटल बार होते हैं, सब कुछ उसको आप, जैसे मेनू हो गया, टाइटल बार हो गया, ठीक है, टाइटल बार हो गया, ये सब कुछ, हर मेनू के अंदर कौन सा कमांड ग्रुप है, किसका क्या कार्य होता है, खुद भी क्लिक करके देखिए, क्योंकि जब आप माउस का बटन लेके जाते हो तो उस पर खुद इंस्ट्रक्शन देता है, ये चीज ये है, इसका शॉर्टकट की ये है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास रहेगा तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ प्रश्न आजकल इमेज कट करके पूछे जाते हैं, तो जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखोगे नहीं, अगर आपके सामने पूछ दिया ये किस चीज का सिंबल है तो आप क्या जान पाओगे, जब देखे रहोगे तभी जानोगे कि ये ड्रॉप कैप होता है, तो जब आप किए रहोगे तभी कर पाओगे। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका, इसीलिए मैं कोई किताब नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी मुझे पढ़ाना है, तो प्रैक्टिकल पढ़ाने का मतलब मैं इस सिस्टम पे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ईमेल को कैसे अटैच किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, सीसीसी बीसीसी क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, प्लस आपको कोई भी डॉक्यूमेंट राइट करना है तो उसमें उसकी फॉर्मेटिंग, बेसिकली ये सब चीजें क्या है, फॉर्मेटिंग है, कि आपको फॉर्मेटिंग कैसे करना है। फॉर्मेटिंग में मतलब आपको टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है,
ठीक है, ये सब चीजें आपको वहां पर बता, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाना है, ये सब फॉर्मेटिंग होता है जो आपको वहां पर प्रैक्टिकली कराया जाएगा। तो इसके लिए देखो यहां फॉर्मूला और कैलकुलेशन आ रहा है ना, यही चीज आपका वहां भी कवर हो जाएगा जो आप मतलब एमसीक्यू मोड में पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक बार पढ़ोगे दो बार काम होगा, आप यहां क्लियर पढ़ोगे दो तीन चार, यही टॉपिक आपका बेसिकली यहां पर भी है। देखो इंटरनेट, ये पूरा पार्ट किसका है, इंटरनेट का है, ये पूरा पार्ट इंटरनेट का है, और यहां पूरा पार्ट ये जो है तीन चार जो है आपका किसका है, एमएस ऑफिस का है। तो दो ही चीज आपको यहां पर भी पढ़ना है, इंटरनेट और एमएस ऑफिस पढ़ना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ इतने से आपका 40 से 45 प्लस नंबर पक्का है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं पर्टिकुलर आपको क्लास तो दे ही रहा हूं, मेरी क्लास जो है आपको पर्टिकुलर चल रही है, मैंने एमएस विंडोज स्टार्ट किया था। ठीक है, विंडोज मैंने स्टार्ट किया, मैंने कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा, विंडोज का इंटरनल वर्किंग बता चुका हूं, इसके इंटरनल वर्किंग बता रहा हूं, एक्सटर्नल वर्किंग भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट आपको कनेक्ट करके प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं। उसके बाद इसके मेरे पढ़ाने का मतलब मैं पहले पढ़ा लेता हूं, फिर उसी पर जितना हो सकता है एमसीक्यूज कराता रहता हूं। तो एमसीक्यूज से आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि जो आप पढ़े हो तो उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, और जितना भी आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी पर्टिकुलर एक क्लास में डिस्कशन भी करूंगा। तो ये चीजें आपकी रही कि बेसिकली आप क्या पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपका 40 प्लस आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट, बस इतने, इससे ये पढ़ लिए तो आपका 40 प्लस नंबर फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जो क्वेश्चंस दे दूंगा बल्क में, आपको नोट्स दे दूंगा, आप मेरे नोट्स न भी पढ़ोगे और क्लास कर लिए हो और खुद बना लिए हो तो वो मोर देन सफिशियंट होगा। तो जो बच्चे अभी भी क्लास से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। हाँ, कुछ चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट आप सभी के पास क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर बहुत जरूरी है, कि आपके पास कंप्यूटर चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसमें एमएस विंडोज का कम से कम एटलीस्ट अगर 10 पढ़ा है तो बहुत अच्छा, 7 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एमएस ऑफिस का क्या होना चाहिए आपके पास, 2010 होना चाहिए। ठीक है, 2010 होगा तो बेस्ट रहेगा एक तरह से, 7 भी है तो चल जाएगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 2010 के ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीजें होती। तो इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर को खुद बिना किसी किताब के, बिना किसी नोट्स के, और एक अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा उससे पढ़ सकते हो। तो अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है अभी भी तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हो। खासकर आप जिनको भी अगर सिर्फ कंप्यूटर बैच से जुड़ना हो, वो परीक्षा प्लस एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप जुड़ भी सकते हैं, वहां से जो भी दिक्कत होगी या समस्या होगी तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और जो भी हमसे हो सकता है वो कुछ आपको फ्री क्लासेस भी, जो आपका एमसीक्यूज क्लासेस हैं एपीएस के लिए खासकर, वो भी मैराथन क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।